फिरोजाबाद में मिड डे मील के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। शिक्षक ने 11.46 करोड़ का घोटाला किया। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाकर खेल किया गया था। विजिलेंस से मामले की शिकायत की गई थी। करप्शन धोखाधड़ी के साक्ष्य मिलने पर केस दर्ज किया गया है। सहायक शिक्षक समेत 8 विभागों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फिरोजाबाद के टुंडला के जाजपुर में मिड डे मील में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है, जहां के प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षक चंद्रकांत शर्मा पर आरोप है कि उसने मिड डे मील के नाम पर संस्था बनाकर 11 करोड़ 46 लाख रुपए का गबन कर लिया। साल 2008 में प्राइमरी शिक्षक चंद्रकांत शर्मा ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके फिरोजाबाद जिले में करीब 100 सरकारी स्कूलों के मिड डे मील का काम ले लिया और 2008 से 2014 तक उसने अपनी सोसाइटी में मिड डे मील का काम किया, फिर करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। हम इस समय उसी स्कूल में खड़े हैं, जाजपुर में खड़े हैं, जहां पर वो शिक्षक तैनात हैं। सबसे पहले चंद्रकांत शर्मा जिन पर आरोप लगाए हैं, उनकी आप तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये चंद्रकांत शर्मा है, ये जाजपुर का प्राथमिक प्राइमरी स्कूल है, जहां पर मिड डे मील से लेकर अगर हम बात करें तमाम सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये खुद प्रधानाध्यापक हैं, जिसकी जिम्मेदारी इनकी है और यही इसको देखते हैं। लेकिन इन पर आरोप लगा है कि पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता दूँ कि 2007 में मिड डे मील के नाम पर इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, एक चिट फंड बनाया और वहाँ पर अपने तमाम रिश्तेदार, चाहे पत्नी हो, उनके माता पिता हो, तमाम रिश्तेदार हो, उनको उसमें पदाधिकारी बनाया और खुद अपना नाम चंद्रकांत शर्मा से हटाकर इन्होंने अपना नाम सुशील कुमार रखा और सुशील कुमार के नाम से कोष अध्यक्ष बने और उसके बाद बीच में इन्होंने अपने माता पिता को मृत दिखाया और उसके बाद तमाम घोटाले को अंजाम दिया। इस मामले का खुलासा विजिलेंस ने किया है। फिलहाल विजिलेंस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मंगलवार को आगरा में FIR दर्ज कराई। वहीं मुख्य आरोपी शिक्षक चंद्रकांत शर्मा को सस्पेंड भी कर दिया गया। विरुद्ध एक मामला जो है वो अभी संज्ञान में आया है, बहुत पुराना मामला है MDM घोटाले से संबंधित। तो जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया है, अभी तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है। इसकी जाँच जो है वो विजिलेंस द्वारा की जा रही है। जब हमें कोई आख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसके क्रम में फिर अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस के द्वारा की गई FIR के मुताबिक 9 बेसिक शिक्षा विभाग में हुए मिड डे मील घोटाले में आरोपी शिक्षक चंद्रकांत शर्मा के साथ 7 विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जिसमें बैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं जब हमने विजिलेंस के अधिकारियों से मामले के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। मिड डे मील मामले में जब हमने SP विजिलेंस से बात करनी चाही और ये जानने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में जो FIR लिखी गई है वो अब किस पायदान पर है और उसमें आगामी क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, इस मामले पर जब हम SP कार्यालय विजिलेंस पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी सक्षम जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते हैं। हालांकि SP विजिलेंस आलोक कुमार ने फ़ोन द्वारा हमसे बातचीत की और उन्होंने इस बात को कहा है कि मुकदमा लिख लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो मीडिया के सामने आकर कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पूरे घोटाले के आरोपों के बाद भी शिक्षक चंद्रकांत शर्मा मिड डे मील को स्कूल में बांटते दिखे। जब हमने उनसे बात की तो वो अपनी सफाई में खुद को बेकसूर बताते दिखे। इसका पेमेंट कोई BSA ऑफिस से नहीं हो जाता था भाई, मध्यान्ह भोजन की एक एक बारी की जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय चेक करते थे। उसके बाद प्रतिमा उपभोग प्रमाण पत्र जाता है शासन को और हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में हर वर्ष शासन से जांच आती है कि मिड डे मील बन रहा है या नहीं बन रहा। संस्था की भी जांच करते हैं, हम स्कूलों को भी जांच करते हैं, तो क्या 8 साल में कोई जांच हुई नहीं? वहीं स्कूल के अभिभावकों का कहना था कि उन्हें आरोपी शिक्षक चंद्रकांत शर्मा के घोटालों के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं, हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसी बात है नहीं, बाहर की मालूम नहीं है, दूसरे कॉलेजों की, हमारे स्कूल की तो व्यवस्था सही है। आदमी किस तरीके के हैं? बढ़िया है, हाँ, खूब बच्चों को पढ़ाई चल रही है, मतलब बार बार इतने बच्चे आ गए, करीब इसमें होंगे करीब 250 बच्चे करीब होंगे। फिलहाल जिस तरह से मिड डे मील के नाम पर ये बड़ा घोटाला सामने आया है, उसने व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्योंकि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। फिरोजाबाद से विनीत दुबे, टीम न्यूज़ स्टेट।